हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टी वाई पी और पी ई बी में। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको पुनः कुछ खुशखबरी या अपडेशन लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज 4 जून 2020 है और आज के जो दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर है, इसमें एक न्यू अपडेट आया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको उस अपडेट के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इसमें आया है कि जो दैनिक भास्कर का अपना डीवी स्टार न्यूज़पेपर भोपाल वाला है, उसमें आया हुआ है कि पुलिस के 14,000 पदों की भर्ती के लिए मंजूरी का इंतजार। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पिछले 1.5 या 2.5 साल में व्यापम द्वारा कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, तो उससे रिलेटेड पहला अपडेशन मुझे मिला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। पुलिस के 14,000 पदों की भर्ती के लिए मंजूरी का इंतजार। तो दोस्तों, इसमें एक पेपर में बताया गया है कि पुलिस के 14,000 जो पदों की भर्ती है, उसके लिए मंजूरी का इंतजार बाकी है। तो आपको हम बताते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है, पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सिपाही पद अर्थात एसआई और कांस्टेबल के लिए होने वाली भर्ती पुलिस मुख्यालय द्वारा कराई जाएगी। इसके लिए चयन और भर्ती शाखा ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस मुख्यालय को राज्य सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। संभवतः यह भर्ती स्कूल और कॉलेजों की परीक्षा के बाद आयोजित की जा सकती है। पुलिस मुख्यालय द्वारा परीक्षा कराए जाने की कवायद पिछली सरकार के समय से चल रही है। हालांकि उम्मीदवार प्रोविजनल एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात पीईबी से लिखित परीक्षा के पक्ष में है। 14,000 से अधिक पदों पर सब इंस्पेक्टर और सिपाही की भर्ती होनी है, अर्थात 14,000 से अधिक पदों पर एमपीएसआई और कांस्टेबल की भर्ती होनी है। आपको पता भी होगा कि पिछले 3 साल से इन पदों पर भर्ती नहीं हुई है। व्यापम घोटाले के बाद पिछली सरकार ने पीईडी को बंद कराने का निर्णय लिया था। इसके बाद भर्ती के लिए लिखित परीक्षा किस एजेंसी से कराई जाए, इसकी कवायद चल रही थी। अब लगभग साफ हो गया है कि पुलिस भर्ती मुख्यालय द्वारा ही कराई जाएगी। पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा द्वारा इसका प्रस्ताव और नियमावली शासन को भेजी जा चुकी है। सीनियर ऑफिसर भी चाहते हैं कि यह भर्ती पूर्व की भांति पुलिस मुख्यालय द्वारा ही कराई जाए। चयन और भर्ती डीजी संजीव चयन और भर्ती एडीजी संजीव समी का कहना है कि 1.5 साल में कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। इस ऐसे में पूरी संभावना है कि यह भर्ती विभाग द्वारा ही कराई जाएगी। यह भर्ती परीक्षा पुलिस मुख्यालय आयोजित करे। यह भर्ती परीक्षा पुलिस मुख्यालय ही आयोजित करे, इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेजा हुआ है। शासन से उसकी मंजूरी मिलने का इंतजार है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं ने पुलिस भर्ती कराने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में युवा ट्विटर पर मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि जल्द ही पुलिस भर्ती की जाए। पिछले कुछ सालों से भर्ती ना निकलने से कई युवा परीक्षा की तैयारी करते हुए ओवरएज हो गए हैं। इसके लिए वे भर्ती में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष कराने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, ये था अपडेट जो कि मैंने आपको बताया, और जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगा तो मैं आपको पुनः बताऊंगा। दोस्तों, अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी है या ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको शेयर करना है, और जल्द ही हम प्रीवियस पेपर के जो एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल के पेपर हैं उन पर वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।